हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे हो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो जैसे ही हमारा हाल ही में चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड किया है चांद के ऊपर, तो प्राउड मूवमेंट है सभी इंडियंस के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं, चाइना का जाना, अमेरिका का जाना को तो बड़ी बात थी, क्योंकि उन पर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे, पर हमारे इंडिया ने बहुत कम पैसों में उसको भेज दिया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बिल्कुल मतलब इतिहास रच दिया, जिसे कहते हैं। तो पाकिस्तान के हैं सलमान सैफी, इनके चैनल का नाम है। इनके एक दो वीडियो पे हम ऑलरेडी रिएक्शन दे चुके हैं, इनके चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज ये पाकिस्तानी जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उनको कैसा लगा, तो उसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली। चलो वीडियो देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में बात करेंगे। कैसा लगा तुम्हें देख के पड़ोसी मुल्क की कामयाबी? भाई अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ माशाल्लाह, बड़े दिल वाले हम लोग यार, खुद कुछ करें ना करें, बहुत बड़े दिल वाले। पाकिस्तानी ना इधर पेट्रोल पर महंगा हो रहा है, तुम इधर बच्चों ने सब आ गए। बहुत अच्छा लगा यार, जेलिस हो रहा है यार, आपको झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, वो पहुंचना तो नहीं चाहिए, हालांकि हमारे दुश्मन है, हमारे को तो खतरा है, बाकी ये उनकी मेहनत है भाई। असल में हम लोगों ने ये कह दिया था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो इतना पढ़ा दिया कि वो चांद पे चले गए। मैंने उनको मुबारकबाद दी, उनके लाइव पेज पे जा करके खुद मैंने देखा था उनको, फिर जेलिसीज बात है। क्योंकि मतलब आप दिल से खुश हैं? दिल से खुश है ना, क्योंकि तरक्की पे का हमारा पड़ोसी तरक्की पे कर रहा है, ये लाइव चल रहा है, ये लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड है। अरे यार, वरना मैं अपने पापा को इंटरव्यू देता कि मैं बाहर आया हूँ चाय पीने। इनको देख के लग रहा है ये हमारा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आप बढ़ने दे रहे हो? कोहली अकेला ही जैसे 28 रन मार रहे हैं ना, पाकिस्तान को जीतने नहीं देगा बेटा। आप लगता है शायद अफरीदी को भूल गए। इंडिया से हो तो इधर क्या कर रहे हो? पाकिस्तान, हम लोग इंडिया से नहीं, हम लोग पाकिस्तान से ही हैं। ना गैस और ना पानी है, मतलब सही कह रहे हैं। हम जा ही नहीं सकते ना यार, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हम अपने मामू के घर नहीं जा सकते। जो बिल्कुल सही बात है, इंडिया को रास्ता बताओ मेरे को जाने का। आपको इंडिया जाना है? बहुत रोते हैं भाई। आपको भी जाना है? जी जाना है। बच्चे हो जाते ना, बोलने से बच्चे होते तो यार ज्यादा। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि इंडिया से हमारा कोई जोड़ है? नहीं नहीं, वैसे वाकई नहीं है भाई, वो तो मुल्क बहुत आगे चला गया, बहुत आगे चला गया भाई, एशिया में पहले नंबर पे आ गया वो। इस रात के अंधेरे में जहाँ पूरा पाकिस्तान सो रहा है, हमारे नौजवान घरों में सो रहे हैं, ऐसे में रातों रात इंडिया पहुंच गया है चांद पे, चंद्रयान 3। तो आए जानते हैं कि पाकिस्तानियों की इस बारे में क्या राय है। वो खुद अच्छा है, हम सारे पाकिस्तानी दिल हम सबके बड़े हैं। हमारा पड़ोसी गया चांद पे, सच सच बताना, झूठ नहीं कहना, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हो, दिल से बताना कैसा लगा है जो इंडिया चांद पे गया है आज। मैंने तो मुबारकबाद दी उनके लाइव पेज पे जा करके, कंजुलेशन इंडिया, मैंने अच्छा। मुबारकबाद दी है उनको कि मुबारक आपको बहुत बहुत कि आप इस तरक्की पे यहाँ पर पहुँचे हो, मुबारकबाद दी है। अच्छा मतलब खुश है, पाकिस्तानी भी खुश है यार। कि तरक्की पे क्यों नहीं खुश है, कि दूसरा भी तरक्की पे जा रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए। अच्छा आप सच सच बताना है, एज अ पाकिस्तानी, वो हमारा पड़ोसी है चांद पे चले गई है, कैसा लगा आपको? नहीं नहीं यार, ये तो बहुत समझो कि एक शरीके दाव है, समझो कि एक अपना ही भाई, वो आसमान पे जा रहा है और हम आसमान से छत पे आ रहे हैं, यार ये गलत है। हमारा भी एक बनता है कि अगर हम उसके बराबर नहीं जाएं तो उसको फॉलो तो करें, कम से कम उसको ये तो दिखाएं कि हम भी हैं भाई, पीछे देख तो सर ही बैठे हैं। कम से कम जो चांद पर रॉकेट गया है हम उसी को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर चले जाते। हाँ कम से कम चांद पर नहीं, बादल तक तो जाएं, ये प्याला होटल की तीसरी मंजिल से रोड पे आ गए, ये हाल हो गया इनका, तो अल्लाह माफ करे, क्या जाएंगे ऊपर, पहले आसमान पे नहीं जा पा रहे हम। पहले आसमान तो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि ये छत पे नहीं जा रहे, ये बिल्डिंग की छत पे, हाँ ना, इस पे नहीं जा सकते भाई। अच्छा आपको कैसा लगा जो इंडिया चांद पहुँच गया? अच्छी बात है, अच्छी बात है, मतलब खुशी हुई आपको? देखे खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, खुशी सबको होनी चाहिए। लाइट भी गई, लाइट चले गई, वो चांद पे चले गए या लाइट चले गई। यार आपको कैसा लग रहा है कि इंडिया हमारा जो दुश्मन मुल्क है, कहते हैं लोग, लेकिन लोगों में नफरत नहीं है क्योंकि लोग एक जैसे हैं। हाँ एक जैसे ही हैं। सही है, आज इंडिया जो है भारत चांद पे पहुंच गया। हाँ सुन के कैसा लगा आपको? दिल से तो अच्छा ही लगा, लेकिन हम भी पहुंच जाएंगे कुछ दिनों में, हम अपने रॉकेट लाएंगे ना, अपने भी वो जो पड़े हैं अपने रॉकेट पे बिठा के भेजो। हमारी भी कोशिश है, हम भी चांद के पूरे आसमान तक पहुंचेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। नहीं हम लोग मरने के बाद तो जाएंगे, क्योंकि जन्नत ऊपर ही है, जाएंगे, पर इंडिया को जहां तक मेरा वस चलेगा, राजपूत वाला अल्हम्दुलिल्लाह, जहां तक मेरा वस चलेगा इंडिया को टक्कर दूंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा आप लेके जाएंगे चांद पे? हाँ इंशाल्लाह, अगर नहीं नहीं वो बात नहीं कर रहा था। क्या अदनान भाई क्या कह रहे हैं?
मैंने कहा आप दीवारों में टक्कर मारो, वो इतने ऊपर चले गए, टक्कर के लिए भी आपको ऊपर जाना पड़ेगा भाई। दूसरे तीसरी अटेम्प्ट के बाद बिल्कुल बिल्कुल चंद्रयान थ्री थ्री बिल्कुल पहले उन्होंने वन बनाया, वो नहीं गया, हम लोगों ने मजाक उड़ाया, ये तो कोशिशें करते रहते हैं। उन्होंने दूसरा बनाया चंद्रयान, वो भी नहीं गया, फिर हमने मजाक उड़ाया, अब उन्होंने तीसरी बार जो अटेम्प्ट किया है वो चले। बिल्कुल हम यही मजाक उड़ाते रहेंगे, हमें बस नगमे रिलीज करने और तो हमारा कुछ काम ही नहीं है, हमने हंसना है दूसरों पे। बिल्कुल बहुत बहुत मुबारकबाद हो हिंदुस्तान को चांद पे जाने पे, हम चाय के होटल पे रह गए। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर बात कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने वैसे उन्होंने तरक्की की, ऐसा हमारा भी हक बनता है तरक्की करने का। मेरी मेरी बात सुनो, वो लोग कर रहे हैं तरक्की, हम अपने मुल्क में पान मांग के खा रहे हैं यार। ये तो हाँ, नरेंद्र मोदी ने कहा है ना कि आओ जंग लड़ते हैं, अपने अपने मुल्क की महंगाई कम करते हैं। अरे कैसे हैं आप? वो आपकी आपकी मालिश अभी तक चल रही है, अल्लाह करे ऐसी ज्यादा चलेगी और आप कमाएंगे, दुनिया देखेगी। चले अब एक बात बताएं, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह वो जो आपकी पहली वीडियो थी उससे तो बहुत लड़कियां दीवानी हो। हाँ तो अभी भी दीवानी होगी, अभी भी होंगी। और सबको दुआ सलाम हो, ये पाकिस्तान का माहौल अच्छा हो, महंगाई में रहा तो जो आने वाला वो अच्छा ही करे। अच्छा एक बात बताएं कि आप कभी चांद पे बैठे? चांद पे नहीं बैठे तो जमीन पे भी चल रहे हैं। मतलब सुन के खुशी तो हुई, वही बात हो गई ना, दोस्त अगर फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए ना तो उससे ज़्यादा दुख होता है। हाँ जलती है भाई, मंदों की बहुत जलती है। अभी ये दोस्त मेरा देख लो, अभी उसको कभी ये नहीं है, दूसरा है, उसको कोई लड़की नहीं देखती है, वो बार बार बोलता रहता है मुझे यार लड़की क्यों नहीं देखती। अब भाई उसके अंदर कोई फॉल्ट होगा ना, ये पाकिस्तान का भी यही मतलब के हाल है, वो खुद मेहनत नहीं करते, बस दूसरों को देख के बस वो करते रहते हैं। बहुत मजाक हो गया, आप इधर आओ। ये रिकॉर्ड कब बंद होगा? ये कब बंद होगा? क्यों आपने मोबाइल छीना? नहीं यार, इनके पकवास सुन सुन के मैं थक गया। बड़े बदतमीज लड़के हो गए हमारे पास। ये कराची है, हैदराबाद नहीं, मतलब देखें, देखा जाए तो है पड़ोसी हमारा। आपको कैसा लगा सुन के वो चांद पे पहुंच गए हैं आज? बहुत बड़ी कामयाबी। अच्छा ही लगा जो पहुंच गए, तो अच्छा रहे, और सबके लिए ऐसी दुआ होनी चाहिए, सबके लग रहा अच्छा हो। और हम कब पहुंचेंगे? जरूर पहुंचोगे, दिल दिया साफ होते जरूर पहुंचोगे, सब दया की दुआ। जब पेट्रोल कम होगा जब ही चांद पे जाएंगे। जाहिर सी बात है, रॉकेट में पेट्रोल लगेगा, वही तो सारी बात है। तीसरे में पहुंच जाएंगे, पोईल दिलवा कर देखेंगे कितना पेट्रोल लीटर हो गया। 293। अब वो बोल रहे हैं 400 रुपये में जाएगा पेट्रोल, जैसे 400 रुपये पेट्रोल तक जाएगा, 400 रुपये लीटर। और चांद तक जाने में कितना पेट्रोल लग जाएगा? नहीं कितना लग जाएगा, पर इंडिया वालों को देखें इतना कम पेट्रोल उनका कम है पेट्रोल, तभी तो वो चांद पे जा रहे हैं। जब पेट्रोल ही कम नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे कैसे, इंपोर्ट कैसे होगा? मतलब असल वजह ये है जो हम चांद पे नहीं जा पा रहे, हमारे पास पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल महंगा है कैसे जाएंगे, जब पेट्रोल ही नहीं होगा कैसे जाएंगे, पैदल तो जाने से रहे। इस मुल्क से निकलने का दिल चाह रहा है। टैलेंट की कोई कदर नहीं है यहाँ, टैलेंट की टिकटॉक बनाने का, टिकटॉक बना रहे हैं, टिकटॉक मनाते हैं यार, टैलेंट तो बहुत बड़ा है, टैलेंट तो माशाल्लाह से देखो बोले टिकटॉक। ये लाइव चल रहा है, ये लाइव चल रहा है। अरे यार, वरना मैं अपने पापा को इंटरव्यू देता कि मैं बाहर आया हूँ चाय पीने। आप अपने पापा को कहना चाह रहे? हाँ पापा, मैं अभी चाय पीने आऊँ, थोड़ी देर में आऊँगा, फ्रेश करके आऊँगा अपने दिमाग को, और इसके सर में दर्द हो रहा है, इसको ठीक कराना है मेरे को। पापा को और काम नहीं है, सिर्फ टीवी देखेगा। नहीं नहीं रॉकेट मारा था। नहीं इसके पापा को और काम नहीं है, टीवी देखेगा। नहीं ना, उनको दिखाएंगे चैनल पे, देख लो मैं यहाँ पर प्याला आया था। चलो फकर की बात है ना, बता देना तो फोन करके नहीं बता सकता। फोन यार तरक्की नहीं है, नॉन पीटी है फोन यार। उनको देख के लग रहा है ये हमारा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। तू बढ़ने दे रहे, आप बढ़ने दे रहे हो? हाँ इंशा क्यों नहीं कर रहे काम। अभी अभी हमें सब देख रहे हैं, सही है, भले कुछ भी बोलो, बदतमीजी जितनी भी करो, लेकिन आप कह के करो, सही है, भले ठीक है। यार कुछ पूछो तो बोलो ना। इंडिया चांद पे पहुंच गया आज, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा यार। जेलिस हो रहा है यार आपको, झूठ क्यों बोल रहे हो? आप जेलिस हो रहे हैं? जेलिस कहाँ से हो रहे हैं? देखो पाकिस्तान जा रहे हैं वहाँ खेलने के लिए, वो लोग नहीं आ रहे। अभी ये देखो सोचने वाला पॉइंट ये है कि ये भी जो है कि करे अपने आप में कुछ जरूरत दिखाए कि भाई हम नहीं जा रहे, वो बोलेंगे नहीं आओ। आपकी क्या? अब आपके मामू का बेटा है, अगर वो आपके घर में नहीं आ रहा आप उसे घर में जाओगे?
नहीं नहीं, मैं अल्लाह माफ करे बगैर अजान के मस्जिद में नहीं जाता। इंडिया चांद पे पहुंच गया, कैसा लगा? इंडिया हमें, हमारे को खुद अपना नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, तो हमारे को बोल रहे हो। मतलब यार देखो, ये अब बच्चा जो है ना, इस मुल्क का फ्यूचर है, सही है, ये आगे जाके पाकिस्तान को चलाएगा। अब इसको ये खुद कह रहा है कि मतलब हमारे अंदर हौसला नहीं है। भाई हौसला लाने के लिए ना पहले किसी और चीज़ को देखना चाहिए कि वो कामयाब हो रहा, तो हमें भी मतलब दिल के अंदर जस्तजू पैदा करनी चाहिए कि हाँ भाई उसने कुछ किया तो हम भी कुछ करें। तो पाकिस्तान वाले ये नहीं करेंगे, वो बस बोलेंगे भाई ये पहुँच गया तो समझो छोड़ो, हम यहीं ठीक हैं। एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम, कैसा लगा तुम्हें देख के पड़ोसी मुल्क की कामयाबी? भाई अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ माशाल्लाह, बड़े दिल वाले हम लोग यार, खुद कुछ करें ना करें, बहुत बड़े दिल वाले। पाकिस्तानी ना इधर पेट्रोल पर महंगा हो रहा, तुम इधर बचौदी करने सब आ गए थे। ये देखो, अब ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है। मैं भी क्या बोल रहा था, ये मुल्क चलाएगा, ये मुल्क चलाएगा, चला दिया मुल्क। अच्छा ये जो रॉकेट होता है जो चांद पे जा रहा है, इसका पिस्टन कितना बड़ा होता है, कितने सीसी का होता है? पिस्टन 30 बोर का होता है, बोर कराना पड़ता है। क्लच प्लेट बिल्कुल खत्म है, ये देख रहे हो आप, अभी खोल के दिखाता हूँ अंदर से। ये क्लच प्लेटों का एक कचरा देख रहे हो भैया, बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। फिर मैं खुद चांद पे जाने वाला हूँ, अभी मेरा रॉकेट तैयार है। नहीं नहीं, वो पहुँचना तो नहीं चाहिए, हालांकि हमारे दुश्मन है, हमारे को तो खतरा है, बाकी ये उनकी मेहनत है भाई। असल में हम लोगों ने ये कह दिया था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो इतना पढ़ा दिया कि वो चांद पे चले गए। नहीं नहीं, हमने दुश्मन को बच्चों को तो पढ़ाना था, अपने बच्चे जाहिल रह गए, कोई मालिश कर रहा है, कोई बैठा रहे, तो कोई क्या कर रहा है, अपने बच्चे जो है ना वो जाहिल रह गए। अच्छा कहते हैं कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो उससे ज़्यादा दुख होता है। तो आज जो इंडिया जो फर्स्ट आया है, चांद पर चला गया है, तो थोड़ा आपके दिल में कोई ऐसी जेलिसी आई है, दुख हुआ है? नहीं, मैंने मुबारकबाद दी है ना तुम्हें, जो जेलिसी किस बात की, अगर मैं कह रहा कि मैंने मुबारकबाद दी है ना, अगर मुबारकबाद मुझे जेलिसी होती है ना तो मैं कोई और बातें उन पर टोक देता, कोई गलत कमेंट पास कर देता। मैंने उनको मुबारकबाद दी उनके लाइव पेज पे जा करके, खुद मैंने देखा था उनको, फिर जेलिसी इस बात पर क्यों किया? मतलब आप दिल से खुश हैं? दिल से खुश है ना, क्योंकि तरक्की पे का हमारा पड़ोसी तरक्की पे कर रहा है। आप भी जवान हैं, कल को आप भी मुल्क, चुप हो जाएगा, कल को आप भी मुल्क चला सकते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज लेकिन मैं अपना घर चला लूँ, ये काफी मुल्क चला हूँ। सही बात है, ये मुल्क ही हत्ती चला रखा है, बोले वजीर आलम बनाएंगे तो ही करेगा। बेटा कैसे हैं आप? ठीक हूँ। बेटा इंडिया, इंडिया जो है ना चांद पे पहुँच गया है, कैसा लगा आप? अच्छा लगा। अच्छा लगा, हम कब पहुँचेंगे? हम लोग कब पहुँचेंगे? आज। आज हम लोग पहुँच जाएंगे, कितने बजे? 2 बजे। आपने पी भी है? बेटा बेटा आप चले जाओ, यकीन करो जाया हो जाओगे। नहीं तो ये सवाल सही कर रहे हैं भाई से, आप इधर आना जरा, और आप इधर आओ। डोलो सही है, ये है इंडिया, आप हो पाकिस्तान। इसको इंडिया बोलो क्योंकि ये बकवास कर रहा है। चलो रुक जाओ रुक जाओ, पाकिस्तान के बारे में बुरा भला। एक मिनट रुक जाओ, बात होगी हक सच की। तुम हो इंडिया, ये है पाकिस्तान, आज देखते हैं कौन जीतता है, मुकाबला हो गया है। इंडिया कौन सा? इंडिया, ये सही है, चलो देखते हैं। ये बोल रहा तुम हार गए, एशिया कप का मैच हो रहा है फाइनल, अब इंडिया पहुंच गया चांद पे, ठीक है। वो तो कोहली अकेला ही जैसे 28 आठ बोले में 28 रन मारे हैं ना, पाकिस्तान को जीतने ही नहीं देगा। आप वैसे ही कर रहे, इंडिया तो हमसे बहुत ऊपर है। स्टॉप बेटा, आप लगता है शायद अफरीदी को भूल गए। नहीं, शाहिन अफरीदी क्या, वही है जो रोफ जो तीन तीन छक्के खा रहा, शाहिद अफरीदी है टीम में। आपको थोड़ा तकलीफ है, अभी ये बताओ रिटायरमेंट ले लिया आपसे कोहली, क्या वो अकेले ही आपके लिए भारी है? नहीं बेटा, आप शायद अफरीदी से देखा नहीं। एक बात और, बुमराह आ गया, उसको कौन खेलेगा? बुमराह आ गया, बुम बुम बुमराह, वो आ गया बाबर आजम, बाबर आजम आए। बाबर आजम क्या आता है, वो कवर ड्राइव एक मार दी, 6 बोले मिस कर दिए, कोई प्लेयर है? कोहली जैसे प्लेयर निकालो भाई,
क्या अभी बोलूँगा भाई, क्या हो गया, कुछ बोलो तो भाई। देखो वो मुझे भाई, कुछ लोग बच्ची पे आ रहे हैं, उनकी बच्ची से अच्छी अच्छी मेरी रिक्वेस्ट में पड़ी हुई है। अरे ये तो उसमें मिल रहा है अफगानिस्तान का जो ओपनर है गुल। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी और रह गई है, 6 मिनट की वीडियो और रह गई है। तो जो डिबेट शुरू हुई थी वो चंद्रयान पर शुरू हुई थी और क्रिकेट पर आकर रुक गई है। तो पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या था चंद्रयान के बारे में, पर उनका रिएक्शन कैसे भी हो, पर हमारे लिए प्राउड मोमेंट है सभी इंडियंस के लिए। हमें तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली लैंड हो गया है, और बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद हमने आखिरकार वहाँ पहुँच गए। तो सैल्यूट है उनको, इसरो वालों को जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी, सोचा था इसरो को बनाने के लिए, तो उनको सैल्यूट, और इसरो के सभी साइंटिस्टों को जो है सैल्यूट है कि उन्होंने अपनी जो उनकी मेहनत है वो रंग लाई और उन्होंने पूरी दुनिया में जो इंडिया का नाम पूरा शाइन कर दिया है। अमेरिका और जितने भी बड़े-बड़े डेवलपमेंट कंट्री है सबकी लिस्ट में एकदम से आ गए हम। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है इंडिया का जो है चंद्रयान का सक्सेसफुली लैंड करना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल इंडियंस। तो ये पाकिस्तानी थे, उनके रिएक्शन में हमने चेक कर लिए किस तरह के रिएक्शन वो दे रहे थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सलमान सैफ इनके चैनल का नाम है। काफ़ी सारे पब्लिक रिएक्शन ये लेते हैं, तो इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलें किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर किसी का पर्टिकुलर वीडियो पर आपको रिएक्शन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, तो मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलें किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उतना बहुत सारा जानने की बाय बाय।